ये पदभार जो है मुझे सौंपा गया है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में एक इतिहास रचा है। कश्मीर में भी पहली बार भारी मात्रा में वोट लिए और पूरे जम्मू कश्मीर में 26% मत लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो बता दिया कि हम लोग किसी भी तरीके से पीछे नहीं हैं। पहली बार इतिहास में 29 सीटों का जीतना और आज जो इतिहास रचा गया है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उस जो 29 सीटें हैं 26% मत है उसके लिए भी मैं पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने पूरा समय दिया और जिनके चलते ये सब हम लोग सफल हो सके। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पुनः केंद्रीय नेतृत्व को बहुत उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे पार्टी का के नेतृत्व जो है करने का मौका मिला है जम्मू कश्मीर का। उनका एक्सपीरियंस, उनकी सपोर्ट मुझे हमेशा मिलती रहेगी ऐसी तो के साथ और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। मैं पहले भी अध्यक्ष रह चुका हूँ, हर जगह पर मेरा जाना हुआ है, हर कार्यकर्ता से मेरा मिलना हुआ है। जो कुछ कमियां रही होंगी पिछले समय में, मेरे अपने पिछले समय में, मैं उनको पूर्ण करने का प्रयत्न करूंगा। भारतीय जनता पार्टी एक नए इतिहास की तरफ जो है वो अग्रसर है, उस इतिहास में मेरी भी एक छोटी सी भूमिका। ऐसा है कि हमेशा से कोशिश रही है पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और श्रेष्ठ हमारा जो नेतृत्व है उनका एक्सपीरियंस को लेकर, उनकी सपोर्ट को लेकर हमेशा से कार्य किया है। और इस बार भी जो समय हमें मिला है उस समय में हम लोग पार्टी को ऊंचाइयों की तरफ ले जाने का प्रयत्न करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में भी इतिहास रचा है, आगामी आने वाले समय में भी कैसा मेरे माध्यम से, मेरी टीम के माध्यम से और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के माध्यम से, वोटर्स, सपोर्टर्स, सिंपथाइजर्स के माध्यम से और जम्मू कश्मीर की जनता के माध्यम से इन ऊंचाइयों को अगर हम लोग छू सकें तो मेरा यही प्रयास है।